खास करके बीजेपी को हराने का काम करे, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं चाहे सपा हो बसपा हो कांग्रेस हो, वहां पे जो मजबूत प्रत्याशी होगा उनको समाज लोग सोचे और उनको वोट करे, बीजेपी को वोट न करे। ये हमारा भाजपा के खिलाफ मुकेश सहनी का बयानबाजी अभी भी लगातार जारी है। चुनाव को लेकर बयानबाजियां होती हैं, उसके बाद अन्य जगहों पर भी मुकेश सहनी लगातार भाजपा के खिलाफ हमलावर हैं। और इस बार उन्होंने दावा कर दिया है कि निषाद समाज के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग भाजपा को वोट ना करें और भाजपा के खिलाफ चाहे कोई भी दल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, राजद हो या कोई भी दल हो, सभी दलों को वोट कर दे लेकिन भाजपा को वोट नहीं करें। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर चुनावी अभियान में हैं। उनका कहना है कि भाजपा कई सीटों पर पिछड़ रही है और उन्होंने दावा भी किया है कि इस बार आप लोग अच्छे तरीके से अगर वोट करते हैं तो आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी। बिहार का भी जिक्र किया है और एक बार फिर से मुकेश सहनी ने दावा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हार रही है और साफ तौर पे उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि भाजपा को वोट नहीं करना है, विपक्षी दलों को वोट कर देना है, यानी जहां पे वीआईपी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है वहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस चाहे बसपा, इन सभी पार्टियों को वोट करना है लेकिन भाजपा को वोट नहीं करना है। एक बार फिर से भाजपा पर हमलावर हैं और उत्तर प्रदेश में भाजपा की जमीन उखाड़ कर दम लेंगे। मुकेश सहनी ने तमाम बातों को रखा है, देखिए किस तरीके से मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में चुनावी अभियान के दौरान अपनी बातों को रखा। वहाँ पे पूरा फ्री में मछली मार सकते हैं लेकिन आपके बगल में गोरखपुर में हम देख रहे हैं सरकार यहाँ पे डाक के जरिए ज्यादा से ज्यादा 22 करोड़ रुपया 5 साल के लिए लिया जा रहा है, जबकि वो 22 करोड़ का 5 साल में वहाँ से निकल भी नहीं सकता। तो इस तरीके से पॉलिसी बनाया गया कि गरीब आदमी को और भी खून इस तरीके से चूसा जाए सरकार के द्वारा, ये नीति के साथ यहाँ पे हो रहा है। हमारे बिहार में हम 90% तक अनुदान मछुआरा समुदाय को दे रहे हैं। अब मजबूती से हम बिहार में सरकार में हैं और सब समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के साथ उपेक्षा हो रहा है। अब मजबूती से उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का लड़ाई एक ही है कि निषाद को आरक्षण दिलाना, और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन चला जिसमें हमारे अखिलेश निषाद जी शहीद भी हुए और उसके दम पर उत्तर प्रदेश में कुछ लोग नेतृत्व कर रहे थे, डॉक्टर संजय निषाद जी वो नेता बने और आज देखिए कि वो कहीं ना कहीं अपने एजेंडा को भूल गए और कहीं ना कहीं वो आज समाज को छोड़कर आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं। फिलहाल उनके बारे में ज़्यादा विश्लेषण नहीं बात करेंगे। मजबूती से हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और निषाद समाज के हक अधिकार की लड़ाई, जैसे हम बिहार में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार के निषाद एक पैर पे खड़ा होंगे और 24 से पहले आरक्षण लेंगे। अभी हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, हर एक सीट पर जा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ पे एक ही नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, की नारा को हम लोग रिपीट कर रहे हैं और वहाँ पे हम अपने प्रत्याशी को जिताने का आह्वान कर रहे हैं। जहाँ हम लोग नहीं लड़ रहे हैं वहाँ पे समाज के लोगों को, पार्टी के लोगों को एक ही संदेश देना है कि आपका जो नारा था आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वो नारा के साथ आप उत्तर प्रदेश में काम करें ताकि ये सरकार 2022 में सरकार से बाहर निकलेंगे तब 2024 में ये सोचेंगे कि ये निषाद समाज हमसे कट चुका है और आपके लिए बेहतर सोचेंगे और 2024 से पहले आरक्षण करेंगे। तो हमारा एक ही उद्देश्य है पूरे प्रदेश में कि खास करके बीजेपी को हराने का काम करे और जो वहाँ पे जीत सकता है, जहाँ हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं चाहे सपा हो बसपा हो कांग्रेस हो, वहाँ पे जो मजबूत प्रत्याशी होगा उनको समाज लोग सोचे और उनको वोट करे, बीजेपी को वोट ना करे। ये हम आह्वान के साथ पूरे प्रदेश में काम करें। अब मजबूती से समाज साथ भी है और इसका परिणाम जो है पूर्वांचल में देखने के लिए मिलेगा। 10 तारीख को रिजल्ट जब आएगा बिहार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।